बुजुर्गों, छतों पर बैठी हुई मेरी बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, ये चुनाव बिल्कुल साफ हो गया है। इस चुनाव के अंदर अब कोई गुंजाइश और शुभ शुभा नहीं है। अब भाजपा के लोग इस बात से बहुत परेशान है। देवरान मसूद एक तरफा चुनाव इस बार जीतने का काम कर रहा है। क्या आप कभी सोच सकते थे जिस तरह का माहौल इस बार बना है? मैं अकेला ऐसा प्रत्याशी हूं जिसको सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों का वोट मिलने का काम हो रहा है। आज सुबह से निकले हैं और सुबह से सारे कार्यक्रमों के अंदर उमड़ते हुए लोग इस बात का सबूत है कि दोस्तों, इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए और सहारनपुर आकर के उन्होंने जहरीली जबान बोलने का काम किया। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे हंसी आती है कि योगी जी, क्योंकि कभी योगी जी भगवान की जाति बताने लगते हैं, अभी तो इमरान की रिश्तेदारी बताइए, जब ये भगवान की जाति बताने लगे तो इनका क्या होगा? इनकी बात का क्या बुरा मानना, क्योंकि कब कब इन्हें दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए। लेकिन वो बहरहाल हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो ये मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी नाकामी दुनिया में हो नहीं सकती कि अगर मुख्यमंत्री जी जो आप कह रहे हो कि मसूद अजहर का बामाद यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो फिर आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उसके गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ये झूठी बकवास कर झूठी बातें कर लोगों को बहकाने का काम ना करें। किसान का गन्ने का दाम अभी तक मिला नहीं, 2 साल से लॉलीपॉप बांट रहे हैं। भुगतान हो गया क्या आपका? सारे गन्ना किसान बैठे, बताओ भाई भुगतान हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ जी, कहीं नहीं हुआ भुगतान। नहीं, किसी का हो गया हो तो बता दो। गन्ना किसान का भुगतान नहीं, बात किसान पर करो तो ये बात मुसलमान की करने लगते हैं। बात नौजवान पे करो दिखाई देता, बात नौजवान की करो तो ये बात पाकिस्तान की करने लगते हैं। अरे पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है यार, उसे छोड़ो, बर्बाद कंट्री है वो, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है वो, तो स्वतः ही अपने आप को खा रहा है। हमारी जरूरत कहां है उसे मारने की? आप अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दो। हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से नौजवान को रोजगार मिले, किस तरह से इस देश के किसान के अंदर खुशहाली आए, किस तरह से इस देश का व्यापारी जो इस देश के अंदर विकास में अपनी योगदान देता है, टैक्स देने का काम करता है, हम किस तरह से उसकी जीएसटी में संधिकरण करके उसका फायदा दे दें। और आज राहुल जी ने एक और ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए 3 साल तक किसी विभाग से किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतः हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि नौजवान रोजगार से लगे, आवाम है उसके लिए न्यूनतम आय यानी मिनिमम इनकम की गारंटी कांग्रेस देने का काम करेगी, जिसका मतलब 72,000 रुपए एक परिवार की कम से कम आय होगी। कोई इससे कम कमा रहा है तो बकाया सरकार उसके खाते में सीधे ट्रांसफर करने का काम करेगी। ऐसी कोई योजना पूरी दुनिया, हमारी पार्टी इस योजना को सरकार में आए तो लागू करने का काम करेगी। दोस्तों, अभी मेरे पास फोन आया, चूंकि मैं सिर्फ काम की बात करूंगा, इमरान काम का आदमी है, ना बेकार की बात करूंगा ना बेकार की बातें करता हूं, मैं सिर्फ काम की बात। चूंकि 8 तारीख को, पहले 7 का था, अब 8 का हो गया कार्यक्रम, 8 तारीख को राहुल जी और प्रियंका जी
हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ज्योति राजे सिंधिया जी, तीनों लोग 8 तारीख को सहारनपुर आ रहे हैं। तो 8 तारीख के लिए हमारे सहारनपुर की समस्याओं के बारे में मालूम कर रहे थे। सबसे पहला किसान गन्ने का, और फिर मैंने कहा पॉपुलर। पॉपुलर हमारे यहाँ एक ऐसे खेती होती थी, गाड़ी और पक्के मकान पॉपुलर की आमद के बाद ही शुरू हुए। साथ ये किसान खुशहाल हो गया। लेकिन जब ये सरकार आई हरियाणा के अंदर खट्टर साहब की, इन्होंने यूनियन बना दी मिल मालिकों की के पॉपुलर का रेट मिल मालिक तय करने का काम करेंगे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ किसान का, क्योंकि ये सरकार किसान की है ही नहीं, इसलिए नुकसान किसान का किया। साथियों, हमने कहा कि आप सहारनपुर के लिए हम एक स्पेशल पैकेज प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सहारनपुर के अंदर इस इंडस्ट्री को डेवलप करा करके हम लोग नौजवान के रोजगार का इंतजाम करेंगे, और प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिला करके इस क्षेत्र के अंदर हम यहाँ के जो किसान है उनकी फसल का सही दाम हरियाणा के अंदर लुटाई ना हो सके हमारे किसान की, ये प्रयास करने का काम करेंगे। तीसरी जो अहम बात है, वो सबसे अहम है, जो हमारा प्रयास होगा कि रामपुर का जो हमारा गोचर कृषि कॉलेज है, गोचर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के समकक्ष सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार आ गई। ये काम मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि इमरान काम करने वाला आदमी है, इमरान बेकार की बात करने वाला आदमी नहीं है। मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं नफरत की बात नहीं करता हूँ, मैं मुद्दों की बात के ऊपर मुद्दों के साथ लड़ने का काम करता हूँ। हर मजलूम, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा। जब दलितों के साथ अत्याचार होने का काम हो रहा था, पुलिस इनको मारने का काम कर रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो दलितों के लिए सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं, बयान देकर के छोड़ करवा कहते कोई दूसरा दलित के अलावा पिट नहीं रहा था। उस अंदर उस आंदोलन में केवल दलित नौजवानों को निशाना बना करके उन पर मुकदमे लादने की तैयारी ये सरकार कर रही थी। हमने उनकी मदद की, पूरी मदद की और डटकर मदद की। कोई आदमी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, हमने कहा मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, और मैं खड़ा हुआ। और उसके बाद बैठा चांद के लोगों के बीच में, मैंने उस खाई को पाटने के लिए 10 पंचायत की कम से कम, और उनके फैसलों में पहल कर करके फैसले कराने का काम किया। क्योंकि मेरा काम समाज के अंदर नफरत फैलाना नहीं है। मैं राघव लखनपाल नहीं हूँ कि जाकर के सड़क दूधली में घुस जाऊंगा, SSP के घर घुस जाऊंगा, और जब पिटने का नंबर आएगा तो कार्यकर्ताओं को छोड़कर भाग जाऊंगा। इमरान मसूद ये काम नहीं कर सकता। अगर कार्यकर्ता को लेकर जाऊंगा कहीं तो जब तक वो सह सम्मान वापस न हो जाए, मैं वापस नहीं होता। कल रात मैं जा रहा था, मेरे पीछे पीछे मोटरसाइकिलें लगा दी उन्होंने, पुलिस ने रोक ली, सारे लड़के बंद कर दिए। जब मैं वहां मीटिंग में पहुंच गया, मुझे पता चला, मैं वापस थाने आया और थाने आकर के सारे लड़के, क्योंकि पुलिस ने जांच करके सारे इतने कर ली थी, इतने में मीटिंग कर कर आया, तो सारे लड़कों को छुड़ा करके घर भेजकर मैं रात को तब घर गया। साथियों, ये इमरान है। इमरान का मतलब है अपने साथी के लिए अपनी जान का कुर्बान करना। इमरान का मतलब केवल नाम से इमरान को मत बोलने का काम करो कि मेरा नाम इमरान है तो मुझे वोट नहीं दोगे। मैं आपके लिए हर दम इनसे 100 गुना ज्यादा काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे परख के तो देखो। बरता है नहीं, फरका है नहीं, बस शोर मचा दिया। अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि साहब आपकी छवि, मैंने कहा भैया छवि कौन बना रहा है, कौन नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे जीवन में एक शब्द भी कोई आदमी ये नहीं दिखा सकता कि कभी मैंने नफरत का बोला हो, या मैंने कभी नफरत की बात जीवन के अंदर करने का काम नहीं किया। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि हमने कभी जिंदगी के अंदर नफरत नहीं की है। हमने कभी जिंदगी के अंदर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का आदमी रहा हो, उससे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपकी ज्ञात क्या है, मैं आपका काम करूंगा कि नहीं करूंगा। मेरे बस का जो होगा, मुझे जो वोट देता है मैं उसका भी करता हूँ, जो नहीं देता मैं उसका भी करता हूँ। और अगर ये काम ना किया होता तो आज इमरान को ये मकाम हासिल ना होता कि आज ये मेरे लिए बाइक से फख्र है। इससे बड़ी फख्र की बात कोई नहीं हो सकती कि इमरान अकेला वो नेता है जिसको सभी जाति सभी धर्म के लोग वोट देने का काम करते हैं।
मेरे स्टेज पर, मेरे स्टेज पर दलित भी हैं, गुजर भी हैं, ठाकुर भी हैं, कौन से ऐसी जाति बिरादरी के लोग हैं जो हमारे साथ चलने का काम नहीं कर रहे। हर हर लोग जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मुझे MP जरूर बना देना, मुझे MP जरूर बना देना, क्योंकि अगर मैं बन गया हूँ सरकार के आ रही है तो मैं वो काम कर जाऊंगा जो हिंदुस्तान के अंदर सहारनपुर की तारीख के अंदर सहारनपुर के इतिहास में किसी ने नहीं किया। हमने कहा कि सहारनपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज के नाम पर ही झगड़ा किया भाई। पहले आपने कुछ नाम रखा, उसके बाद कुछ बदल दिया, अब भाजपा वाले कुछ और करने के चक्कर में। हमने कहा हमें नाम से मतलब नहीं, नाम किसी का भी रख लो लेकिन इसके अंदर सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो। आज तक मेडिकल कॉलेज के अंदर सुविधाएं नहीं है, OPD के नाम के ऊपर सिंपल डॉक्टर बैठे हुए। मैं अगर जीत करके जाऊंगा तो सहारनपुर को 90% लोगों को दिल्ली या मेरठ या देहरादून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पहली प्राथमिकता के अंदर काम होगा, मेरी पहली प्राथमिकता में काम होगा कि मैं यहाँ पर डायलिसिस के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, नेफ्रोलॉजी के लिए हम पूरा का पूरा यूनिट स्टेब्लिश करा करके यहाँ काम करने का काम करें। राघव जैसा नहीं हूं मैं राघव जैसा नहीं हूं, क्योंकि राघव ने तो पॉलिटिक्स को एक पिकनिक बनाया हुआ है, वो पिकनिक की तरह पॉलिटिक्स में आकर के बस वो एक ही बात उनकी जो पार्टी की लाइन है, हालांकि वो आदमी अच्छा है, बेचारा शरीफ आदमी है, मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी लाइन जो उसकी पार्टी की है वो बहुत खराब है, उसकी पार्टी की लाइन बहुत खराब है। तो उनको तो सिर्फ एक ही काम आता है, वही बस, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रात को बस यही समझ में आता कि रात को जो चलता है इनका सुरसुरापन, भैया उससे होशियार रहेंगे, हाथ जुड़वा लो मेरे से। सहारनपुर के विकास के लिए इमरान को इस बार चुन करके भेज दो, इमरान वो काम कर जाएगा जो सहारनपुर में आपने उम्मीद भी नहीं की। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे साथी बैठे सारे के साथ लड़ाई, क्योंकि तीसरे आदमी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो लड़ाई से बाहर हो गया, वो बेचारा लड़ाई में नहीं है भाई, जिस शोर मचा मचा के वो दलित 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 कर रहे, दलित की चाबी तो चंद्रशेखर लेके भाग गया, अब ढूंढ रहे कि कहां से चाबी लाके ताला खोले, वो तो सारी चंद्रशेखर के पास चले गया। जिन लोगों की हमने मदद की है वो सब ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगने का काम, ये हमारा जो समाज है ये कभी किसी का ऋण नहीं रखता, कभी ऋण नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, समाज में अगर किसी ने कुछ किया है तो आप बदला जरूर देते हो, चाहे ये वाला समाज हो, चाहे ये वाला समाज हो, चाहे ये वाला समाज हो, कोई सा भी समाज हो, बदला जरूर देता है। तो भैया उनके तो मुझे लग रहा है कि मेरा इलाज भी तुमने किया था और बदला भी हम कैसा दे रहे हो, हमें लग रहा है क्या दिया बिल्कुल। मेरी उम्मीद, मेरी उम्मीद और तवक्को से कहीं ज्यादा, मेरी उम्मीद और तवक्को से कहीं ज्यादा समर्थन मिलने का काम है। मेरा तो गला भी परेशान हो रहा है, तो बहुत, लेकिन एक जुनून है, ये बैठी मेरी, मैंने ये ऊपर बैठी छतों पर, ये पीछे भी बैठी है, ऐसा देखो कितनी धूप के अंदर ये लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, बस भाई आया है, इनका भाई को देख रहे हैं, दुआ करेंगे और वोट डालेंगे, तो बाकी इसके अलावा कोई मतलब नहीं। लोग समझते हैं इमरान मसूद मिठाई की गोली है, कोई नहीं कहता है मैं खा लूंगा। एक नेता जी मुझसे बोले अब तुम्हें वोट ही नहीं मिल रहा, मैंने कहा क्यों, कहा गया वोट, कह ले वोट गया ठगबंधन पर। तुम तो गठबंधन की बात कर रहे हो, ठग क्यों गया, कह ले ठग तो है ही भाई, मायावती बयान कुछ दे रही, वोट मांग रही है आपसे, मायावती बयान दे रही कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करने की और वोट मांग रही है आपसे, तो क्या भाजपा से बात करके मांग रही है आपसे वोट, इसलिए ठग बंधन। तो हमने कहा जो जिसको करना है वो करे, हम तो काम की बात करेंगे, हम तो विकास की बात करेंगे, हम बेकार की और फजूल की बातों के अंदर ना पढ़ना चाहते ना पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन चौधरी साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा आपका नेचुरल अलायंस है, जिसे क्या कहते हैं उसको, नेचुरल अलायंस को क्या कहेंगे, प्राकृतिक गठबंधन, प्राकृतिक गठबंधन, प्राकृतिक गठबंधन है, नेचुरल अलायंस है हमारा,
हमारा आपका जो साथ है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों का है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का। आप उठा लीजिए 1952 से, 1952 से उठा लीजिए, तो तीन पीढ़ियां निकल गई। ये पता नहीं क्यों 2008 के बाद आकर के इसके अंदर टूट आई। और मैंने बहुत बहुत पारिवारिक रिश्ते भी बहुत जगह खराब होने का काम हुआ। मैंने हमेशा कोशिश करता हूं कि उनको रिवाइव करूं। और मैं आज बहुत आपका किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं कि वो हमने अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिवाइव कर लिया है, हमने अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा उनको दोबारा ठीक कर लिया है। मैं उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं, बेहद शुक्रिया अदा करने का काम करता हूं। और एक वादा आप लोगों से करता हूं कि जो तवक्को, जो उम्मीद आपने इमरान से की है, आपकी उम्मीद से 100% ज्यादा खरा उतरने का काम करूंगा, कम नहीं उतरूंगा, ये वादा कर जा रहा हूं। और अगर आपकी उम्मीद में कहीं जरा सी भी चोट लगे, महसूस हो कि कम है, तो बराए मेहरबानी मुझसे नाराज होने की बजाय, बराए मेहरबानी, मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है, मुझसे नाराज होने की बजाय मेरे से ज्यादा मिलता कोई नहीं, मुझे घर पर आकर के जरूर बता दे भाई तूने ये गलती की है, या तो इसे सुधार ले वरना तेरा साथ हमारा साथ आज के बाद चले जाने का। तो मुझे जो छोड़ के जाने की बात करे वो हाथ मिला के जाए कि बस अब ये इससे हद से हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, हो सकता है कभी गलती हो जाए, लेकिन कभी गलती मुझसे इंटेंशन से नहीं होगी, जानबूझकर नहीं होगी, जानबूझकर कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन कभी गलती से गलती हो गई तो उसके लिए भी मैं पहले से ही आपको कह रहा हूँ कि आप नाराज होने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लें, काम करें, क्योंकि इमरान मसूद साथियों का साथी है, बैठा है हमारा मुझ। मैं गुवाहाटी था, इधर पुलिस ले गई, मैं गुवाहाटी था रात को 11:30 बजे फोन आया कि जी पुलिस ने उठा लिया। मैंने किसे कि करंट को, मैंने क्यों, अरे क्यों, मैंने इससे बात करी, वो था विजय कुमार मेरे वहां का शामली का, वो मेरे साथ है। वो मैंने कहा दर्शन भाई तेरे जैसे मैंने बहुत सैकड़ों देखे, हाँ पहली फ्लाइट से आ रहा मैं, बस सुबह 5:30 बजे फ्लाइट थी, 5:30 बजे फ्लाइट पकड़ी, 11:30 बजे से दफ्तर में पकड़ लिया। मैंने कहा बात क्या है, ये चोर है, डकैत है, क्या है, क्यों दोबारा बैठू हुए, बस राणा घर कर लिया है ठाकुर साहब चौधरी साहब को, और ये घर गया, फिर अब तो किसी को लाइट पढ़ करके वापस चला गया, रात को बच्चे छोड़ दिया, बच्चे वही थे, बच्चों को मैं छोड़ गया था। तो मैं अपने साथी का ऐसा साथ हूँ, अपने साथियों का साथ देता हूँ, इसलिए कुछ लोग नाराज भी होते हैं, पहुंचाओ भाई। अब मैं राघव जैसा तो हूँ नहीं कि बेचारा भी फिर कसौती जेल यात्रा करके आया, जेल यात्रा करके आया, साथ उसके था, जेल यात्रा करके आया और बिना खता के करके आया बेचारा, बिना खता के यात्रा कर आया। ये की बेटा ये भी था वहां दौड़ में, इसे मैं लाया था निकाल गया, मैंने कहा चल इधर तू कहां चक्कर में पड़ रहा है, कुणाल ये बेटा ये बना रहा है, ये भी था। तो मैंने अपने साथियों को कोशिश करता हूं कि उनके ऊपर किसी तरह की आंच ना आए, ये मेरी क्वालिटी कह लो, मेरी कमी कह लो, कि मैं अपने साथी के लिए हद से ज्यादा दूर जा करके काम करता हूं। ये कुणाल बैठा, इसको तो दौड़ा रखा था, इसे उठा लाया, मैंने कहा चल भाई खड़ा हो, चम्मच बेटा बहुत हो गया तेरा, कहने लगा जी बहुत खिला लिया कमल, इसने मार दिया मेरी जान बचा। तो अगर तेरी जान बचेगी बेटा, कोई नहीं, सब बच्चों की भी जान बचेगी, बहक जाते हैं, बहक करके कुछ गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इस गलती के अंदर नहीं थे, गलती नेता की होती है, नेता को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़े। मैंने 25 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत आंदोलन किए, आंदोलन बहुत किए मैंने, लेकिन मेरे एक आंदोलन में किसी का नुकसान नहीं हुआ, केवल एक को छोड़ के, वो भी इसलिए कि अखिलेश ने कहा था लाठी चलवानी जरूरी है, क्योंकि मैं समाजवादी में था, इन्हें लाठियों का बड़ा शौक है, कह रहा है लाठी चलवानी जरूरी है, तो छोटन मेरे साथ था, तो छोटन में बजाना बेचारे बैठे, छोटन पे और मुकेश के दो चार चार लाठियों के लगती थी, क्योंकि उसमें इन्होंने कहा था कि लाठी चलना जरूरी, वरना मेरे साथ कहने कभी
ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरे साथी के खराज भी आ जाए, लेकिन चूंकि वो पार्टी का आदेश था कि भाई लाठी चलनी जरूरी है, मायावती की सरकार थी, कचहरी के खेलों पर छोटन का भी चलेंगे और मुकेश का दोनों का इलाज करना। इसलिए साथियों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक वोट हाथ के निशान पर, मेरा हाथ का निशान है, कांग्रेस का निशान है, ए हाथ डाले जरा कर दो सब सब आ तो मुझे जब भी जरूरत नहीं थी, जब आपने नाराज हो रहे थे तो वोट मुझे जब भी दिया। भाई तो गड़बड़ कर दे मेरे भाई चचा ताया, यार ना गड़बड़ करें, ये तो सारे वोट डालती एक तरफ दबा करके। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, मैं गया महिला काजी में, मेयर के चुनाव में सचिवालय का चुनाव चल रहा, अब मैं मेयर के चुनाव में गया तो वहाँ सारे जितने वो पार्षद पुरुषद से लड़ रहे थे सारे जो है मेरे स्टेज पे ही नहीं। मैंने कहा क्या, और कोई स्टेज लगाने को तैयार ना होगा, अब जावेद साबरी स्टेज लगा रहा और कोई स्टेज नहीं लगाने को तैयार। बस मुझे गुस्सा बहुत आया, मैं खड़े होकर माइक लेके पहले तो माइक मारा फेंक के, यार फिर मैंने कहा सुन के जाइयो, फिर चार बात सुना के आया था। मैंने कहा जितने सारे प्रत्याशी खड़े ना, अगर इनकी जमानतें ना जब्त कराई ना मेरी बहन ने, सब घरों में सुन दो मेरी बात, इनकी सारों की जमानतें जब्त करा दीजिए, एक वोट ना दीजिए, ये डर के वाले ने खड़े हो रहे और सारे हारे हैं, उस मार के सारे हारे गए, सारे हारे दूसरे महल्ले का जीता, मैं भूल जा गया, वोट ही नहीं दिया। तो मेरे साथ तो ये है कि बहने जो है ये मेरी इतनी है, ये चला था मोर मारे बाहर, गड़बड़ कोई करता रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वोट ही डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।